नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे बाराबंकी जंक्शन से, जो अयोध्या के लिए डबलिंग और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हो रहा है, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, क्या प्रगति हुई। ये बाराबंकी जंक्शन से पहला स्टेशन जो रसौली पड़ेगा, उसके ठीक बीच में हम खड़े हैं मिडवे, और यहाँ पर दाहिने हाथ पर आप देख सकते हैं OHE मास्ट जो लगा लिए गए हैं, उनको इरेक्ट कर लिया गया है, 90 डिग्री पर सेट कर लिया गया है। सामने बाराबंकी जंक्शन की दिशा हो जाएगी, जो यहाँ से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर होगा, और दाहिने हाथ पे यहाँ पर आप देख सकते हैं OHE मास्ट आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके बाएं हाथ पर यहाँ पे जो भी आपको सब जंगल दिख रहा है, यहाँ पर डबल लाइन का अलाइनमेंट आएगा। ये इधर रसौली स्टेशन की दिशा हो जाएगी, अयोध्या जंक्शन की दिशा हो जाएगी। बाएं हाथ पर यहाँ पर भी आपको मास्ट दिख रहे होंगे जो लगा लिए गए हैं। फिलहाल फोकस जो है वो ये है कि जो अभी लाइन मौजूदा चालू है सिंगल लाइन, इसको पहले इलेक्ट्रिफाइड कर लिया जाए, साथ ही साथ डबलिंग यानी दोहरीकरण का कार्य भी चल रहा है। जूम करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक भी देखिए आपकी नज़र जाएगी, सारे मास्ट आपको यहाँ पर इरेक्ट नज़र आएंगे। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर रसौली स्टेशन होगा, जो कि पहला स्टेशन पड़ेगा जब आप बाराबंकी जंक्शन से फैज़ाबाद अयोध्या वाले रास्ते चलेंगे रूट पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाहिने हाथ पर यहाँ से राइट साइड इस ट्रैक के डबल लाइन डाली जाएगी, जो अलाइनमेंट होगा। ये अब हम पहुँच गए हैं रसौली के आउटर पर केबिन के पास। सामने इधर बाराबंकी जंक्शन की दिशा हो जाएगी, जैसा अभी पूर्व में मैंने कहा। यहाँ से बाएं हाथ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से रेलबेड की तैयारी की जा रही है, कुछ पेड़ों की कटाई छटाई हुई है, और ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं सामने की तरफ, यहीं पर डबल ट्रैक आएगा, जो दूसरी रेल लाइन डाली जाएगी। पूरा सेक्शन डबल लाइन होनी है वाराणसी तक, जिस पर अब बाराबंकी जंक्शन की दिशा से भी कार्य कुछ शुरू हो गया है। बीच बीच में पैचेस में कार्य हो रहा है, टुकड़ों में जो बांटा गया है, और सभी जगह जो भी पुल पुलियाँ हैं उन पर भी कार्य चल रहा है। ये रसौली का केबिन आ गया, यहाँ पर बूम है, लेवल क्रॉसिंग, और सामने ये जो आप अभी झाड़ियाँ देख रहे हैं, सब जंगल जैसा, ये सब साफ़ किया जाएगा, जो हरियाली इतनी आप देख रहे हैं, क्योंकि यहीं से दूसरी लाइन निकलेगी डबल ट्रैक, और ये बूम जो है फाटक शिफ्ट होगा, नए बूम लगाए जाएंगे लेवल क्रॉसिंग के ऊपर। लेवल क्रॉसिंग के ऊपर जो कार्य है वो बाद में होता है, जैसा आप जानते हैं। सामने आप देख सकते हैं WDP 4D के साथ गंगा सतलुज स्पेशल ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रसौली के। और प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ कार्य चल रहा है वो भी हम आपको करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल आप देख सकते हैं, काफ़ी डंप है, रेता बजरी और जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से अब आ रही हैं। कोरोना काल में कार्य बहुत धीमा हो गया था, बंद हो गया था, लेबर सब चली गई थी, और कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ के जो हैं वो भी बहुत परेशान हैं इस बाबत, लेकिन अब दोबारा से कार्य को शुरू किया है। सामने आपको हम जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रसौली स्टेशन का साइन बोर्ड दिख रहा होगा, रोलर खड़ा है, तमाम सारी मशीनें यहाँ पर खड़ी हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, जो एक्सटेंड किया जा रहा है, लंबाई बढ़ाई जा रही है, विस्तार इसका किया जाएगा, यार्ड रिमॉडलिंग पूरी होगी यहाँ पर रसौली स्टेशन पे। ये लेवल क्रॉसिंग की साइड से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सामने अयोध्या जंक्शन की दिशा है कि यहाँ पर जो OHE मास्ट आपको अभी हमने पूर्व में दिखाए बाराबंकी जंक्शन से रसौली की दिशा में, यहाँ पर अभी फाउंडेशंस नहीं बनी हैं, और ना ही यहाँ पर देखिए कोई OHE मास्ट अभी डाले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो क्रॉस बार्स लगाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर 4 ट्रैक हो जाएंगे, 2 रन थ्रू लाइन्स हो जाएंगी अप और डाउन में, और 2 लूप लाइन्स हो जाएंगी जो एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर जाएंगी। यहाँ पर ये लूप लाइन देखिए कनेक्ट कर रही है, सामने बाराबंकी जंक्शन की दिशा है, इधर बाएं हाथ पर यहाँ पर अलाइनमेंट आएगा लेफ्ट हैंड पर। अगर आप बाराबंकी की तरफ मुंह करके खड़े होंगे रसौली से, तो लेफ्ट हैंड पर डबल ट्रैक पड़ेगा। ये अब हम आपको करीब से दिखा रहे हैं, नया प्लेटफॉर्म देखिए सब तैयार हो रहा है, काफ़ी मिट्टी भराई का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, हालांकि बीच में बारिश में थोड़ा स्लो डाउन हो गया था। प्लेटफॉर्म की हाइट आप देख सकते हैं ब्रॉडगेज के मानक के अनुरूप, रसौली स्टेशन का जो साइन बोर्ड और ये प्लेटफॉर्म है, ये सारा खुदेगा, ये सारी चीज़ें शिफ्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर और ट्रैक्स आएंगे, पेड़ों की भी कुछ कटाई होनी है। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि कम से कम पेड़ों को नुकसान हो, लेकिन जो बीच ट्रैक पर अलाइनमेंट में पेड़ आ रहे हैं उनको काटना पड़ेगा, उसकी परमिशन, क्योंकि हरे पेड़ हैं, वन विभाग से लेनी पड़ती है, जैसा आप जानते हैं। तो यहाँ पर अभी ये कार्य होने हैं, और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन में जो OHE मास्ट डालने का काम है वो स्टेशन्स के आगे हो रहा है पैचेस में, और यहाँ पर
क्रॉस बार्स लगाए जाएंगे, तो उसका जो मेजरमेंट है जब वो हो जाएगा, क्योंकि चार ट्रैक यहाँ पर टोटल आएंगे रसौली में, दो रन थ्रू लाइंस हो जाएंगी हमारी, दो लूप लाइंस हो जाएंगी, तो फिर यहाँ पर क्रॉस बार्स लगा करके रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का वो कार्य किया जाएगा, क्योंकि पहली प्राथमिकता है जो सिंगल लाइन है उसको इलेक्ट्रिफाई करने की, ताकि जो डीजल लोकोमोटिव से अभी रेलगाड़ियाँ चल रही हैं जिनका संचालन हो रहा है उनको फिर यहाँ से शिफ्ट किया जा सके इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के ऊपर वैप लोकोमोटिव के साथ। ये गोरखपुर से वाया फैज़ाबाद जो आती है यशवंतपुर के लिए स्पेशल ट्रेन, वो आ गई फिलहाल रसौली स्टेशन पर। तो ये था छोटा सा अपडेट क्या कुछ चल रहा है डबलिंग और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों पर।